ऑल राइट, सो हाई एवरीवन, माय नेम इज सात्विक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बहुत टाइम के बाद हम वापस मिल रहे हैं और आज बात करेंगे हम उन सारी चीज़ों के बारे में जो हर एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए अगर वो मई इनटेक में यहाँ पे आ रहा है। तो आज बहुत ही अच्छा दिन था, बिल्कुल भी बारिश या ठंडी नहीं थी। तो आज एक बहुत ही सुंदर जगह पर आया हूँ, तो पहले जगह देख लेते हैं थोड़ी। यहाँ पर सब लोग अपने डॉग्स को लेकर वॉक पर निकले हैं और अभी तो यहाँ से दो हायाबूसा मैंने जाते हुए देखी, क्लियरली ओवर स्पीडिंग कर रहे थे। लेकिन तो क्योंकि ये मेन इंटेक वालों के लिए वीडियो हम बना रहे हैं, ये भी हम देख लेते हैं कि भाई पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग में यहाँ पे एक बटन होता है, जब भी आपको सामने जाना है यहाँ पे आपको ये बटन दबा देना है ताकि उनको पता चले कि भाई यहाँ से भी पेडेस्ट्रियन को सामने जाना है। तो यहाँ पे सामने लाइट होगी, यहाँ पे लाइट होती है सामने और फिर वहाँ से आपको चले जाना है आगे। तो यहाँ पे लाइट हो गई है तो हमारा जाने का टाइम आया और यहाँ पे मेरा राइट ऑफ वे है इसलिए ये मेरे लिए रुकेगी, चाहे जितनी भी जल्दी है इसको रुकना पड़ेगा। थैंक यू। और अब यहाँ से हमें जाना है सीधा, तो फिर से यहाँ पे बटन दबा देंगे। इसलिए यहाँ पे जैसे वाइट लाइट आएगी हम जा सकते हैं और वाइट लाइट आ गई और ये आ गए हम यहाँ पे। ये लंदन का एक गार्डन है, तो ये रहा बस स्टॉप और बेहतरीन सा बस स्टॉप है इसका, 5 नंबर की बस जाती है यहाँ से। तो चलिए अब अंदर जाके बात करते हैं। और ये विंटेज गाड़ी है यहाँ पे, ये हमारा पार्क सिविक गार्डन है ये इसका नाम। यहाँ पे लोग आते हैं, बैठते हैं, यहाँ पे डॉग्स लेके आते हैं कोई ना कोई। तो ये अंकल गिटार बजा रहे हैं यहाँ पे अकेले। गार्डन्स का कॉम्प्लेक्स जो है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और यहाँ पे ये पूरा गार्डन, यहाँ से आगे हम आए थे और ये लास्ट पॉइंट है। मैंने सोचा ये भी आपको अब दिखा दूँ, यहाँ पे गार्डन रेस्टोरेशन चल रहा है। तो अब क्योंकि स्प्रिंग है तो ये सारी चीज़ें अब उभर उभर के आ रही है और एक महीने के बाद तो और भी ज़्यादा सुंदर हो जाएगी ये सारी जगह। वैसे मैं लोगों को इतना नहीं बोलता हूँ कि भाई मेरा वीडियो जो है वो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि मैं मानता हूँ अगर उनको अच्छा लगेगा वो तो ज़रूर ये सब करेंगे। लेकिन कुछ टाइम मैंने अपनी चैनल को स्टडी किया, मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े और मुझे पता चला कि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो कुछ ऐसे फंक्शन करता है कि भाई जितना ऑडियंस लाइक करती है, शेयर करती है, सब्सक्राइब करती है, कम्युनिकेट करती है क्रिएटर के साथ, उतना ही यूट्यूब को लगता है कि जो इसकी कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा है। तो आपके जैसे जो दूसरे व्यूअर्स हैं उनको भी मेरे वीडियोस ज़्यादा सजेस्ट होंगे और अगर कम्युनिकेशन नहीं होता है तो यूट्यूब को लगता है कि ये जो क्रिएटर है वो ज़्यादा अपनी कम्युनिटी के साथ इन्वॉल्व नहीं है, तो वो आपके जैसे दूसरे व्यूअर्स को मेरा वीडियोस सजेस्ट नहीं करते। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो ताकि ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुँचे। तो सबसे पहली बात कि जब भी आप यहाँ पे आ रहे हो आपको पता है कि आप कुछ बेसिक चीज़ें जो आपने लोगों से बात की है या नहीं भी की है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा जो यहाँ पे आके आपको शुरुआती दिनों में करनी ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है आपका सिन नंबर और बैंक अकाउंट। क्वारंटाइन की जो सारी परेशानियाँ थी अब वो नहीं है, तो अब जब यहाँ पे आप आते हो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी रखो कि आप यहाँ पे आके अपना बैंक अकाउंट खोलो और अपना सिन नंबर लेके आओ आपके लोकल सर्विस कैनेडा से। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट और सिन, क्योंकि बैंक अकाउंट में आपका GIC आएगा और सिन नंबर से आपकी जॉब शुरू हो जाएगी। अब दूसरा पॉइंट आ गया जॉब का कि यहाँ पे आते ही आपको एक जॉब ढूंढनी पड़ेगी। तो जॉब में मैं आपको ये बताऊँगा कि जॉब तो आपको करनी ही चाहिए, आपके पास चाहे जितने पैसे आप लेके आए हो साथ में आपको जॉब तो करनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक एक्सपोजर मिलता है कैनेडियन कल्चर से। आपको रिटेल में काम करोगे तो रिटेल का एक एक्सपीरियंस मिलेगा, कस्टमर्स को कैसे हैंडल करना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होंगी। तो पहले आते ही आप एक ऐसी जॉब लो जो आपको
बहुत ही ज़्यादा फिजिकली स्ट्रेनियस ना हो, क्योंकि अभी आप सेटल हो रहे हो यहाँ पे आके, आपको अपने हिसाब से घर पे खाना भी बनाना है, घर की साफ़ सफाई भी करनी है, तो जॉब इतना भारी मत ले लो। कई सारे लोग आपको बताएंगे कि आते ही फैक्ट्री में लग जाओ, कैश पे काम करने लगो, ऐसी बातें आपको करेंगे, वो उनके हिसाब से उनको एडवाइस देनी है तो उनको देने दो। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप पढ़ाई पे फोकस करो, आप यहाँ पे 20 आवर्स में दिन में जितना काम होता है उतना करो आप, और आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ोगे तो कोई करियर बनेगा, फील्ड जॉब मिलेगी और मिनिमम वेज पे आपको काम नहीं करना पड़ेगा। तो शुरुआत में आप शायद कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही है तो जो जॉब मिल रही है अभी ले लो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि कोई ऐसी जगह पे मत काम करना शुरू कर देना कि बाद में जाके आपको ऐसा हो कि मैंने अपना टाइम वेस्ट किया यहाँ पे, या फिर मेरी हेल्थ ख़राब हो गई मेंटल हो या फिजिकल, जैसे मुझे होता है। मैं टिम हॉर्टन्स में 3 महीने मैंने काम किया, लेकिन वो मेरी बिगेस्ट मिस्टेक थी। बहुत सारी चीज़ें मुझे वहाँ पे सीखने मिली, लेकिन बहुत ही बेकार जगह थी काम करने के लिए। तीसरा पॉइंट है आपका सिम कार्ड और मोबाइल। तो जब भी लोग यहाँ पे आते हैं तो सोचते हैं कि भाई मैं जैसे ही कनाडा जाऊँगा आईफोन ले लूँगा, ये कर लूँगा वो कर लूँगा, पर बात ऐसी है कि थोड़ा पहले आप यहाँ पे आओ, देखो समझो, अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करो। जैसे ही आपका बिल्ड हो जाता है, आपको यहाँ की सिस्टम समझ में आती है, शुरुआती के दिनों में थोड़े पैसे भी बचा लो आप, और जब भी कोई अच्छा ऑफ़र आए आपको बोनस मिलेगा, आपको अच्छा सा डिस्काउंट मिलेगा। मैंने एक वीडियो बनाया था जब मैंने आईफोन 13 प्रो लिया था, तब मुझे उस पर आई थिंक $200 का गिफ्ट कार्ड मिला था मुझे, लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेटली वो फ़ोन रिटर्न कर देना पड़ा, और फिर मैंने ये वाला लिया जब दूसरा ऑफ़र आ रहा था, तब मैंने ये S22 अल्ट्रा लिया। तो ऑफर जब आ रहे हैं तब आप मोबाइल लो, ना कि बस आके सीधा फ़ोन आप ले लेते हो। और एक अच्छे से नेटवर्क में जाना, कुछ नेटवर्क्स ऐसे हैं जो आपको सस्ते में फ़ोन्स तो दे देंगे, लेकिन उनका नेटवर्क इतना ख़राब होगा कि आप जब सिटी के बाहर जाओगे या फिर कोई ऐसी जगह पे जाओगे तो आपको नेटवर्क ही नहीं मिलेगा। शुरुआत में आपको लगेगा कि सस्ते में मिल रहा है तो ले लो, लेकिन जब आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो जाएगा, जब आपको काम के लिए कहीं दूर जॉब मिलेगी, तब आपको रिग्रेट होगा कि मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किया था वो गलत किया था, अब मुझे इसी नेटवर्क के साथ इतने महीने तक तो रहना ही पड़ेगा। तो ध्यान से सोच समझ के करो। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपको कोई स्पेशल मेडिसिन लगती हैं, अगर आपकी कोई ऐसी कंडीशन है कि आपको मेडिसिन ज़रूरी है आपके लिए और आप मिस नहीं कर सकते, तो आप इंडिया से ज़्यादा क्वांटिटी में थोड़ी लेके आओ, साथ में प्रिस्क्रिप्शन भी लेके आओ कि भाई ये डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, ताकि आपको फ़्लाइट में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे आपके लिए, और यहाँ पे आते ही आपको ये दवाइयाँ जो महंगी होती है वो लेनी ना पड़े। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपकी कॉलेज में जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, एक बार उसको भी गो थ्रू कर लो, कौन सी मेडिसिन है, कौन से हेल्थ केयर में कवरेज मिलता है और कितना परसेंटेज मिलता है। और एक और पॉइंट जो इससे रिलेटेड था वो है विजडम टीथ का। एक्सट्रैक्शन करवाना है वो एक्सट्रैक्शन करवा लो, अगर सर्जरी से करवाना है तो ज़रूर पहले इंडिया से ही करा के आओ, क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मेरे किसी भी दोस्त को यहाँ की हेल्थ केयर सिस्टम में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, तो इंडिया में ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से होती है तो वो करके आओ वहाँ पे, और यहाँ पे आके आपको कहीं विजडम टीथ का अगर पेन आ गया तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो दूसरी एक ज़रूरी चीज़ है कि आप DL एक्सट्रैक्ट अपना लेके आओ। DL एक्सट्रैक्ट पे भी मैंने वीडियो बनाया है, तो DL एक्सट्रैक्ट लेके आओ आप। अगर आपके पास DL एक्सट्रैक्ट नहीं है और सफिशियंट इंडियन ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ आते ही अपना जीवन लाइसेंस बना लो, ताकि आपका जो ये 8 मंथ का गैप है G1 और G2 के बीच में वो जल्दी ख़त्म हो जाए। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास पैसे तो होंगे, लेकिन क्योंकि ये रूल्स है आप गाड़ी खरीद नहीं पाओगे, 2 साल का इंडियन ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, तो ज़रूर RTO से वो रिकॉर्ड बनवा के लाओ और यहाँ पे उसका बेनिफिट आप ले लो। फिर एक और जो ज़रूरी चीज़ है वो है आपके आई ग्लासेस। अगर आपके आई ग्लासेस में पावर है तो प्रिस्क्रिप्शन तो ठीक है, लेकिन आई ग्लासेस एक्स्ट्रा बनवा के लाओ, 4-5 लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे अगर टूट गए तो यहाँ पे बनवाने के एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा है। मेरे भैया ने जब टोरंटो वो रहते थे तो उन्होंने आई थिंक $250 उनको स्पेंड करने पड़े सिर्फ एक आई ग्लासेस के पीछे। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई आप कपड़े की शॉपिंग ज़्यादा मत करके आओ। इंडिया से ज़्यादा कपड़े लेके आओगे तो आपकी जगह भी यूटिलाइज बहुत होगी पैकिंग में, और हो सकता है कि वो कपड़े जब वो धो आप यहाँ पे, तो यहाँ के मशीन्स में या फिर यहाँ का जैसा पानी है या फिर यहाँ पे जैसे ड्रायर में आपको डालना पड़ता है, तो उससे कपड़े डैमेज हो जाए, श्रिंक हो जाए, फेड हो जाए। तो यहाँ पे आओ, यहाँ के ही कपड़े लो, तो कोई मुश्किल नहीं है यार। यहाँ पे आते थोड़े टाइम के बाद आप जैसे कमाना शुरू कर दोगे, आप सेविंग शुरू करोगे, तो आप अपने आप में इन्वेस्ट कर पाओगे। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि जितने भी टेलर्ड क्लोथ्स हैं जो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, वो आप इंडिया से बनवा के लाओ। अब जैसे नवरात्रि के लिए कपड़े हैं, आपको सूट बनवाने हैं, लड़कियों को जो ट्रेडिशनल क्लोथ्स बनवाने होते हैं वो लेके आओ, क्योंकि वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे।
तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा लेके आओ, और जो चीज़ें यहाँ पे भी मिल जाती है, अब टी शर्ट और जीन्स इंडिया से लेके आने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे भी आप ले सकते हो। आपको शुरुआत के 2-3 महीने कोई प्रॉब्लम ना आए, बस उतने कपड़े लेके आओ, धीरे धीरे आप यहाँ से फिर ले लोगे तो भी चलेगा। फिर एक और जो ज़रूरी चीज़ है वो है फॉरेक्स कार्ड, और फॉरेक्स कार्ड आपके पास होना चाहिए। इमरजेंसी में आपको कभी भी पैसे भिजवाने हैं आपके फैमिली को, या फिर जब तक आपके पास बैंक अकाउंट नहीं आता तब तक आपके पास एक फॉरेक्स कार्ड है, तो उसमें थोड़े पैसे होते हैं आपके पास। और फॉरेक्स कार्ड बेसिकली डेबिट कार्ड की जैसे ही काम करता है, आप उसको टैप भी करवा सकते हो। तो एक फॉरेक्स कार्ड रखो आप आपके पास, और उसमें थोड़े पैसे रखो ताकि कैश भी हैंडल करने का आपको प्रॉब्लम ना हो, और जब भी ज़रूरत पड़े तब आपके पास एक फॉरेक्स कार्ड है, जो एक कार्ड आप अच्छे से रख सकते हो, आपके वॉलेट में रख सकते हो, बैग में कहीं छुपा के रख सकते हो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और सेफ्टी ज़्यादा बनी रहे आपकी। अगला जो पॉइंट है वो है कि भाई मैंने कुछ लोगों को देखा है जो इंडिया से कनाडा की ठंडी के जैकेट्स लेके आते हैं। अरे भाई ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बैग में आपके पास बहुत ही कम जगह होती है, उसमें भी लोग अगर इतने मोटे मोटे जैकेट्स इंडिया से लेके आते हैं तो वहाँ पे आपको इतनी इंडियन करेंसी यूज़ करनी पड़ेगी, आपके घर के पैसे वहाँ पे स्पेंड होंगे। जब आप यहाँ पे आते हो तब आप अपने हिसाब से खुद कमा के ख़रीद सकते हो, तो इंडिया में मैं नहीं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि इंडिया से आप विंटर जैकेट लेके आओ। बिसाइड्स आप तो मेन इनटेक में आ रहे हो, तो अगर मेन इनटेक में आ रहे हो तो अभी बहुत टाइम है विंटर जैकेट्स को, अभी आपको बिल्कुल भी साथ में कोई जैकेट्स या और कोई भी चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी चीज़ें जो यहाँ पे भी मिल सकती है, तो ये बेसिकली एक एक्सटेंशन है पुराने पॉइंट का, कपड़ों के पॉइंट का, तो विंटर जैकेट्स प्लीज़ मत लेके आओ। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि भाई आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसका एक आप एक लिस्ट बनाओ, एक फोल्डर बनाओ। आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स है ये आपको एट ऑल टाइम्स पता होना चाहिए कि भाई मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स है, और वो फोल्डर में सबसे आगे वही पेपर होना चाहिए ताकि आप वो पेपर देखो तो आपको पता चल जाए कि भाई ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर पड़े हैं। और थोड़ी ब्लैंक स्पेसेस भी रखो, क्योंकि यहाँ पे आते ही आपको दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी उसके अंदर डालने पड़ेंगे, जैसे आपका सिन नंबर हो गया। जैसे आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मिलते जाएंगे वो ब्लैंक स्पेसेस में आप नोट डाउन करते जाना, ताकि आपका एक प्रॉपर एक मेंटेन रहे एक फाइल जैसा, और आपको पता चले कि भाई ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, कौन से नए आए हैं, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आपको पता हो कि भाई आपके पास ये डॉक्यूमेंट है। अगर आपको ये चीज़ें हेल्पफुल लगे, आपको ठीक लगे, तो ज़रूर इसको अप्लाई करना, क्योंकि ये मैंने नॉट ओनली अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है लेकिन दूसरों के एक्सपीरियंसेस से भी बहुत सारी चीज़ें सीखी है। तो सोचो और अगर आपको ठीक लगे तो अप्लाई करो। और एक और चीज़ जो मुझे आपको बतानी थी वो ये थी कि भाई एक चीज़ याद रखो कि जब भी आप यहाँ पे आ रहे हो, हमारा मेन फोकस है पढ़ाई करना, करियर बनाना और नेटवर्क बनाना, और एक अच्छी जॉब में जाना, हमारी फील्ड में जाना, ना कि यहाँ पे आते ही कैश पे काम करने लगे, फैक्ट्री में लग गए, पढ़ाई को ध्यान नहीं दे रहे, असाइनमेंट्स पैसे दे के करवा रहे हैं। तो अगर आपको ये एडवाइसेस कोई लोग देते हैं तो वो उनके लिए ठीक है इसलिए वो दे रहे हैं, लेकिन आप अपनी सर्कमस्टेंसेस में ये सोचो कि आपको टेम्पररी बेनिफिट्स चाहिए या लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स चाहिए, क्योंकि कुछ इलीगल चीज़ें आप करोगे तो उसमें रिस्क भी आपका बढ़ेगा, आपका नुकसान भी है, और जिस पर्पस के लिए आप आ रहे हो यहाँ पे स्टडी परमिट पे स्टडी करने आ रहे हो वही आपका फुलफ़िल नहीं होगा। तो आपको गलत एडवाइस जो लोग देते हैं उनसे थोड़ा दूर रहो, उनको अपने हिसाब से जीने दो, आप अपने हिसाब से जियो, और यहाँ पे जब आओ तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत लेके आओ। हर जगह के एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ऑल राइट, तो आई रियली होप कि आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने मिला हो, एंड विद दिस आई विल टेक योर लीव। थैंक यू सो मच।